नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदिनी। मेरे चैनल गेट से डेकोरेट में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और घर पर सभी लोग हैं, तो आज चलिए एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। बारिश का मौसम है और गर्मा गर्म बनाएंगे ये, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छा और टेस्टी भी लगता है। किसी चटनी के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ कोन इडली बनाने जा रही हूँ। तो ये जो बैटर है, इडली का बैटर है, मैंने सुबह ना इसको इस तरह से ग्राइंडिंग करके रख दिया था, इसी में ही रख दिया था जार में। 6-7 घंटा हो गया है और ये अच्छे से ना फूल गया है। अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो जैसे इनो देते हैं या सोडा डालकर करते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसको एक कंटेनर में अभी निकाल लेते हैं। अभी ना इसमें नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने डेक्ची में पानी ले लिया है। आप चाहें तो इडली कुकर में भी बना सकते हैं। पानी लेकर इस तरह से मैंने जाली बना लिया है। ये जो है ना, ये अमरूद का पेड़ का टहनिया है, इसको तोड़ के मैंने इस तरह से ना बांध दिया है। इसको यहाँ पे मैं फिक्स कर दूंगी। और इसको फिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए, इस तरह का पत्ता लेना है हमें, 8-10 पत्ता लेना है। और अच्छा वाला पत्ता लीजिएगा, इधर उधर का पत्ता मत लीजिएगा, क्योंकि जहरीला पत्ते भी होते हैं इसमें। तो हमारे यहाँ उड़ीसा में यहाँ पे ना इससे दोना बनाते हैं और खाना भी हम इससे खाते हैं। तो ये है, पत्ता ले लूँगी मैं, 8-10 पत्ते इस तरह से ले लूँगी मैं। और इसको अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, एक पत्ता ले लिया है मैंने, इसके ऊपर इस तरह से तेल लगा दूंगी। और ना इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, सुंदर दिखेगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ओरिगानो डाल रही हूँ मैं, और इसको ना अच्छे से कोन बना देंगे। इस तरह से एक टूथपिक लेके इस तरह से अच्छे से ना इसका एक कोन बना लेंगे। ये देखिए, जैसे नीचे से निकलेगा नहीं हमारा बैटर, ये देखिए। अभी इसमें डाल देंगे हमारा बैटर, देखिए। और इसको हमारा डेक्ची में चढ़ा देंगे। इस तरह से जितना भी कोन है रेडी कर लेंगे। और ये जो ढांचा हमने इसमें फिट किया है ना, ये जो डेक्ची में, तो इसको क्यों मैंने बनाया है मैं आपको बताऊंगी। और ये जो कोन जिसमें हमने बैटर डाला है ना, इडली का बैटर डाला है, ये जो खांचा मैंने रेडी किया है, इसके अंदर अच्छे से एक एक करके ना जितना भी कोन बनाएंगे इसमें रख देंगे। तो ये क्या होगा, ये जो खांचा है इसको अच्छे से होल्ड करके रख देगा और ये गिरेगा नहीं, और हमारा जो शेप है कोन का शेप बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से सारे कोन को हम इस तरह से यहाँ पे जितना भी ये जो है ना जाली जाली इसमें रख देंगे। और देखिए, इस तरह से मैंने डेक्ची के ऊपर लगा दिया है, ये अच्छे से भी रह गया है। अभी इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10-15 मिनट के बाद चेक करेंगे, अगर नहीं पका हुआ होगा तो और 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हम इसको पका लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं हमारा इडली बना है कि नहीं, और कितना सुंदर से देखिए हो रहा है, फूल भी गया है। अभी थोड़ा सा खाली चेक कर लेते हैं ये टूथपिक डालकर। और थोड़ा सा और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद हो जाएगा। और देखिए, ये हो गया है, इसको सारे निकाल लेते हैं अपने प्लेट में, और जो ये है पत्ता भी निकाल लेंगे और अच्छे से सर्व करेंगे और गर्मा गर्म इडली खाएंगे हम लोग। और देखिए, गर्मा गर्म कोन वाला इडली रेडी है, रेडी टू ईट। और देखिए, सारे पत्तों को इस तरह से निकाल लेना है, टूथपिक निकाल लेंगे
और पत्तों को भी निकाल लेंगे, हमारे इडली को निकाल कर सर्व करेंगे गर्मा गर्म। पूरा मुंह में पानी आ रहा है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा इडली। और देखिए हमारा इडली पूरा बिल्कुल रेडी है अभी सर्व करने के लिए, खाने के लिए। तो ये इडली खा के ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चना दाल की चटनी हो गया, नारियल की चटनी, हरी चटनी और सांभर के साथ तो बस मज़ा ही आ जाता है। एक बार ज़रूर बनाइएगा और पूरा फैमिली के साथ बैठकर इसका मज़ा लीजिए। और बस एक छोटे से काम कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं और एक बढ़िया सा, एक मस्ती भरा वीडियो के साथ।